बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज है मंडे और सावन का सोमवार। तो ये सावन के सोमवार जो है हम लोग के यहाँ, मतलब ऊपर तो पूजा नहीं हो रही है, नीचे हो रही है, क्योंकि जब तक हवन नहीं हो जाता है तो पूजा नहीं होनी चाहिए। तो जो सावन के सोमवार है अभी ऐसे ही जा रहे हैं हम लोग के विथ नो पूजा, और मैं भी कर भी नहीं पाती पूजा, तो अभी ऐसे ही जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हवन होने वाला है, बेबी का नामकरण फंक्शन है, वो होने वाला है। एक्चुअली मैं ना नहाने जाना चाह रही थी बहुत टाइम से, पर मेरा नहाना ही नहीं हो पा रहा था। डुग्गू आज थोड़ा सा चेंज हुआ है, डुग्गू, और ऐसे चेंज हुआ है कि डुग्गू ना आज हमसे आवाज़ लगा रहे हैं, तो डुग्गू देख रहा है हम लोगों की तरफ, मतलब एकदम कंटिन्यूअसली नहीं देख रहा, पर जैसे हम आवाज़ लगाते हैं तो देखता है। आज जो मालिश वाली मालिश कर रही थी उस टाइम पे भी, जब मैं दो बार उसके सर के साइड से गुजरी तो उसने ऐसे करके मुझे देखा। फिर राजा को मैंने बोला यार आज ये देख रहा है, मेरी मालिश वाली ने बोला देखो आपको दो बार देखा है इसलिए, क्योंकि वो ऐसे नहीं देखता, वरना वो सीलिंग ही देखता है। तो ना राजा ने जैसे इसे आवाज़ लगाई जब मेरी गोदी में था वो, तो ना वैसे ही राजा को मुड़ के देखा। तो डुगो भी सो रहा है। मेरी आज खाने वाली जो हाउस हेल्प है वो नहीं आई है, तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ खाना बनाने। गुड मॉर्निंग। ना 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 मेरा बच्चा। 2 घंटे की नींद के बाद डुगो उठ गया है। ओ मेरा बच्चा नहीं। और डुगू को जो ये वंसीज हम पहना रहे हैं ये 3 to 6 month की है, और ये लूज है बहुत, पर इसके लिए बहुत कम्फर्टेबल है। तो चलिए इसे फीट कराते हैं, फिर हम लोग चलते हैं खाना बनाने ताकि फ्री हो जाए। नहीं रोती ना उसे? नहीं रोती नहीं, कैसे रो रहे बच्चे? नहीं हो वो भुक्कू। चलो भुक्कू। डुगू भी आज बहुत ज़्यादा खुश है। देखिए नया सोफा पसंद आ गया है डुगू को। बेड पे लेटा रहता है तो ऐ ऐ ऐ करके रोता रहता है, नहीं तो मम्मी चाहिए, मम्मी की गोद चाहिए या पापा की गोद चाहिए। डुगू को देख रहा है, डुगू क्या देख रहा है? के मुंह में कुछ है, मेरे को देखना पड़ेगा। तो हाथ में जो धागा लेके रखा, धागा बंधा हुआ है, वो ऐसे करते हैं ना बेबी मुंह में अपना हाथ डालने की आदत, तो उसके कारण वो धागे का थ्रेड है जो उनके मुंह में चला गया था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने निकाला है कॉटन के कपड़े से। तो ऊपर ही देखता रहता क्या क्या मजा आती है, सीलिंग में क्या क्या देखने मिलता है। शिवानी को खाना बनाना पड़ रहा है। मेड जो है आज मेड ने गोल मार दिया। मम्मी का फोन आया सुबह सुबह कि आज खाना बनाने वाली मेड नहीं आएगी, घर में उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, तो हॉस्पिटल वगैरह लेके गई थी डॉक्टर के पास। तो दिन में तो खिचड़ी बना के खा ली थी हम लोग ने, अब रात को भी देखना पड़ेगा। शिवानी बीन्स की सब्जी और पराठे बना रही है, तो चलिए चलते हैं शिवानी के पास और देखते हैं क्या बनाया जा रहा है। तो डुड्डू पीटा है बस, डुड्डू तो खाना खाता ही नहीं अभी। हाँ डगी 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 डगी। सब्जी बन के हो गई है रेडी। ओयो गरम 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 गरम। मेरा पराठा की फोटो वीडियो का है बनावट करेगा। तो डुगू के कपड़े धुल के यहाँ सूखने के लिए डाल दिए गए हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने डुगू बेबी के इतने सारे कपड़े धोए। शिवानी के साथ धोता रहता था थोड़े थोड़े, शिवानी धोती थी थोड़े, मैं धोता था, लेकिन आज मैंने ये पूरे मैंने धो के यहाँ पे सुखाए हैं, तो ये सुबह तक सूखे रहेंगे। सुबह भी नहीं, कल रात तक सूखेंगे, हो सकता है कितने भी तेज पंखा चला लो कुछ भी कर लो तुरंत ही सूखते हैं। तो ये देखिए क्या आया है। तो ये है फ्लोरिंग के लिए और वॉल के लिए ग्रास मैट, ग्रास है ग्रास, तो कल लगेगी ये फ्लोर पे और एक वॉल पे। आज पेंटिंग का काम होना था तो पेंट हो गया है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो नॉर्मल वाइट पेंट कराया है। व्हाइट पेंट कराने का कारण एक है कि रात को ब्लू लाइट जला रहे हैं तो वो जो और ज्यादा खिल जा रही है व्हाइट पेंट में। नहीं अच्छा लग रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है गुल्लू का। हाँ ओले ले ले ले। मम्मी के पास जाना है, कहाँ जाना है? हाँ देखिए देखिए चलो, अब उसको फिर से भूख लगाई, तो जब तक इसको फीडिंग नहीं कराए थे। हाँ खाना हो गया है।
ये तो रोज का है हम लोग का, जब भी खाना खाने बैठेंगे तो डुग्गू को तो रोना ही है करके, है ना डुग्गू? फाइनली खाना तैयार हो गया, अब मैं यहाँ का फैन तेज करके जा रही हूँ। यहाँ पे डुग्गू था तो फैन तेज नहीं हो पा रहा था। मॉर्निंग, तो मैं 6 बजे उठ गई थी, अभी हो रहे हैं 6:43। डुग्गू जो है वो 5 मिनट के लिए उठा है आज, और उसकी थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब है। वो बहुत ज़्यादा स्पिट कर रहा है आफ्टर फीड, और स्पिट भी ऐसा नहीं, पहले थोड़ा थोड़ा कर रहा था, अभी एकदम से उसने 2 बार बहुत सारा जो दूध था वो निकाल दिया। और उसके बाद फिर मैंने उसे मतलब बर्प भी कराई, ऐसा नहीं है मैंने उसके, मैं उसे जैसे ही फीड कराती हूँ मेरे को डॉक्टर फटाफट से बर्प कराती हूँ, तो उसने ना वो भी कर ली। उसके बाद जो स्पिट कर रहा था, ये कॉलिकेट ड्रॉप्स है, ये जो है ये मंगवाई ग्राइप वाटर, मुझसे कुछ लोग कह रहे थे तो ग्राइप वाटर डॉक्टर ने भी मना किया है। डॉक्टर ने राधे कितने मन से ऊपर बोला है ग्राइप वाटर, टीथ जब टीथ आ जाएंगे उन्होंने बोला तब ग्राइप वाटर शुरू करेंगे, उन्हें ग्राइप वाटर अभी एकदम न्यू बॉर्न के लिए मना किया है। तो पता क्या है, अब मैं जा रही हूँ, मैं अभी 2-3 घंटे लेट जाती हूँ, उसके बाद मालिश वाली आएगी ना, तो हम आज वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो दिखाऊंगी, क्योंकि नामकरण सेरेमनी जो है वो होने वाली है, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है राजा, टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, और हमें बहुत सारे शॉपिंग जो है वो करने के लिए निकलना है। तो मुझे डुगू के लिए, राजा के लिए, अपने लिए, अपने लिए तो वैसे मेरा आउटफिट आ जाएगा। तो विंडो में जो ब्लाइंड लग रहा था उसके वर्कर आ गए हैं, बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी ड्रिल चलने की। तो विंडो में ब्लाइंड लग रहा है, रोलर जो बेडरूम में लगा हुआ है, तार थ्रेड खींच के या तार खींच के ऊपर नीचे होता है, तो वही लग रहा है, दिखाता हूँ मैं आप। आज है सेकेंड डे और मैं व्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर जो है कुक, वो आज भी नहीं आई, और सुबह में उठी और ना मेरी मसाज वाली आई, तो मुझे मसाज वाली है वो भी और दिन नहीं आएगी, कुछ रीजंस है। और जो कुक है ना वो, उनका तो कुछ पता ही नहीं है, एक दिन का पता था, आज का पता ही नहीं था। तो हम लोगों ने खिचड़ी बनाई फिर से और खाई, तो मेरी जो खिचड़ी है ना वही वही चल रही है। मेरे को पता है आज सुबह ही भूख लगी थी, तो मैंने
डुग्गू को सुलाने के बाद एक बार खिचड़ी बनाई थी, और जो राजा को पता भी नहीं है। राजा अपना 8:30-9 बजे का कैमरा चेक करो। सही बताओ। हाँ अब बता, तुम्हारी कसम, चेक करो चेक करो। खिचड़ी बना रही थी। हाँ मैंने मैं क्या कर रहा था, सो रहे थे ऑब्वियसली, और डुगू सो रहा था कॉट में, तो मेरे को लगा वो उठे ना। ठीक है फिर जब बन गई खिचड़ी तो फिर मेरे को लगा कि कहाँ यार पे फिर खाई, ना उठे। खिचड़ी मैंने बेडरूम में खाई थी, लाइट जला के नहीं मोबाइल मोबाइल चलाया। की टॉर्च चला के अरे खिचड़ी खाई, और सुबह फिर उसने कुकर मांजा होगा ना, किसी अच्छा को सबूत ही नहीं मिला। नीचे तो प्लेट, अच्छा तुम सो रहे थे तब भी जब हाउस हेल्प आई थी। और आज मैंने पहना है ये, अब ये जो है ये घर ही में पहने जाएंगे, अब ये तो बाहर के लायक बच्चे ही नहीं है। नहीं बच्चे ना बाहर बाहर के लायक ना, ऐसा तो प्रेगनेंसी में हर चीज अच्छी लगती है, और उसके बाद फिर वही चीज आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। अब कल है तीज, जब ये ब्लॉग जाएगा तो तीज है, तो सबको अ वेरी 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 हैप्पी हरियाली तीज, और तीज की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और तीज वाले दिन लड़कियां मायके जाती हैं, और मायके तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं जा पाऊंगी, पर मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। और हाँ डुगू का ना वो है नामकरण, नामकरण की जो डेट है वही मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ये ब्लॉग जो है ये एंडिंग तक जरूर देखिएगा। तो नामकरण से पहले मुझे अपने आप को भी सजाना है, डुगू को भी सजाना है, राजा का हमें पता नहीं है राजा को कैसे सजना है। राजा कह रहे हैं कि वो एक कुर्ता लेके आएंगे, पर्पल सेलेक्ट करिए, और पर्पल चूड़ी तो है ही नहीं इसमें। हेलो इतनी सारी ये पर्पल पर नहीं हाँ इसमें चाहिए। गोल्डन भी है, तो गोल्डन का भी उपाय है, इसमें गोल्डन भी नहीं है हालांकि। तो ये चूड़ियाँ जो हैं ये मैंने ऑर्डर करी है, तो इसमें ग्रीन है, क्रीम है, रेड है, ये ब्लू में जा रही है ना, पर्पल नहीं है। मैं इसमें पता कब से सोच रही थी पर्पल है ठीक है, और उसके बाद फिर येलो है, देन ये ग्रे ब्लू है, और फिर उसके बाद ये पीच कलर है, और ये फिर रानी कलर है। तो ये जो चूड़ियाँ हैं ये मैंने मंगवाई हैं अपने लिए, जो भी मुझे खुशी पहनाना चाहते हो मैं पहनने को तैयार हूँ। उसके बाद क्योंकि डुग्गू जो है ना वो मेरे बाल वैसे ही इतने अच्छी कंडीशन में नहीं है, डुग्गू मेरे पूरे बालों को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, वो मेरे बाल यहाँ से खींचता है यहाँ से खींचता है, फिर उसकी मुट्ठी वो बंद कर लेता है, और जब मुट्ठी बंद हो जाती है तो मुट्ठी को खोलना इतना मुश्किल होता है कि उस बीच में मेरे 5-6 बाल उसके हाथ में ही रह जाते हैं। और ऐसा नहीं है पता है आपको, मैं बाल बांध भी लेती तो वो पीछे से भी ऐसे पकड़ लेता है, जब मुझसे बब कराती पीछे से भी खींच लेता है, उसके बाद राजा आके छुड़ाते हैं, पर फिर भी वो मेरे बाल नोच ही लेता है। तो उस दिन मैं बाल तो ऑब्वियसली नहीं खुले रखूंगी, वरना मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल ही वो था कि मैंने बाल खुले रखती थी। तो मुझे लगा अब मैं क्योंकि जूड़ा बनाऊंगी तो मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो मैंने ना गजरे भी मंगवाए हैं। तो एक तो ये बन वाला गजरा है, और एक ये वाला गजरा है, कि जो भी सूट होगा वो मैं पहन लूंगी। ये थोड़ा सा इजी रहता है ऐसे में ना, मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे को लगा कुछ है क्लच में, आई थिंक मेरे पास नकली वाला है पर ये वाला नहीं है। और ये वाला जो तो गजरा है ये तो ऐसे ही कट हो जाएगा, तो पहन लेंगे जो भी अच्छा लगेगा। तो मैंने ये 2 कलर में मंगवा लिया, अगर वाइट नहीं सूट होगा मेरे उसमें तो फिर मैं, ये तो हर में सूट हो जाता है, लेकिन ये वाला जो तो गजरा रहता है ये तो अपना नॉर्मल वाला गजरा है ना जो हर साड़ी के साथ लग जाता है, तो ये गजरा मंगवा लिया है। अब क्योंकि मेरे को लग रहा था कि पता नहीं है पर्पल कलर में कंफ्यूजन थी, पर मेरे को लगा था आ गया है, पर देना राजा तुम सो क्यों रहे हो, मैं कहाँ सो रहा हूँ, यू आर स्लीपिंग, क्या बात कर रहे हो, हाँ हरी ही इज स्लीपिंग। उसके बाद फिर मैंने ना ये बहुत ही प्यारी सी चूड़ियाँ भी मंगवा ली है, तो ये कुछ होना हो गोल्डन भी टच रहता है साड़ियों में। ये जो चूड़ियाँ हैं ये है घुंघरू वाली चूड़ियाँ, सो हैप्पी पता है आपको, फाइनली मेरे को लग रहा है नहीं निकालती मैं क्योंकि इसकी पैकिंग खराब हो जाएगी। ये आप ऐसे देख लीजिए, तो ये एक मंगवा लिए। तो अभी मैंने कुछ सामान और भी ऑर्डर किया है, और आपको पता है डुगू के लिए भी एक बहुत ही स्पेशल चीज आई है, अगर तुम दिखाओगे। डुगू के लिए आए हैं कृष्ण जी के कपड़े जन्माष्टमी के तो ये श्रृंगार है लिए, डुगू के लिए, और फिर डुगू का ये है धोती, क्लोथ्स, धोती 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 कुर्ता है, धोती कुर्ता है, ये श्रृंगार है, बहुत अच्छे, इसमें बांसुरी भी है, माला भी है, मुकुट भी है, और पंख भी है मोर के, और क्या क्या है, और यहाँ पे कुछ हाथ बांधने का भी का हाथ का होगा, भी है, और तगड़ी भी यहाँ होगी। हाँ हाँ तगड़ी भी है, और ये है छोटे से क्यूट से कपड़े बहुत प्यारे जन्माष्टमी हैं, को दे रखी है।
31 किया तीस है, इकतीस तीस की है। इकतीस किया इस है। बार की जन्माष्टमी हम बनाने वाले हैं बहुत ढांचू स्पेशल तरीके से इस स्पेशल, बार के सारे त्योहार जो है वो बहुत ही बहुत अच्छे अच्छे स्पेशल होने वाले रहेंगे। हैं। गणेश जी भी आएंगे, वो भी हम लोग स्पेशल तरीके से मनाने वाले हैं। अब मेरे को कल जाना है डुगू के कपड़े लेने। हाँ अभी ना मेरी शॉपिंग हुई है, ना डुगू की हुई है और ना मम्मी की हुई है। डुगू की मम्मी की तो आ ही रही है, सुनती हो डुगू की मम्मी, हम कब करन जाएंगे शॉपिंग? और मुझे थोड़ा सजेस्ट करिएगा कि मैं उसे इंडियन लाइक ट्रेडिशनल पहनाऊँ या वेस्टर्न, लाइक वेस्टर्न नहीं लाइक जो पहनता है, या शॉर्ट पैंट पैंट पहनती है छोटे बच्चे, नहीं शर्ट और जो भी पहनते हैं तो वैसे शर्ट हो या कुछ हो वो पहनाऊँ, या फिर ट्रेडिशनल पहनाऊँ या फिर नॉर्मल। मेरे को लग कब रहा कब है उस दिन, क्योंकि मेरे को लग ये रहा तो है वो, ट्रेडिशनल होगा ना उस दिन तो। मेरे को लग रहा है वो अनकंफर्टेबल ना हो, चुभने वुभने वाले कपड़े आते हैं ना, इसलिए आप लोग मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करिएगा। और नामकरण फंक्शन होना है और हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश है कि फाइनली डुग्गू का नाम जो है वो रख दिया जाएगा, क्योंकि डुग्गू 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 पर क्यों डुग्गू। अभी भी इतना लगा हुआ है? अब मैं आपको बता रही हूँ डुग्गू का नामकरण कब होना है। डुग्गू का नामकरण होना है 15 अगस्त, आजादी के दिन तो हमेशा हर किसी को ये डेट जो है वो याद रहेगी। हम लोग का इंडिपेंडेंस डे है, मतलब कि स्वतंत्रता दिवस, तो उस दिन डुगू का नामकरण होने वाला है। एक्चुअली हम लोग मंडे रख रहे थे, उस दिन अभिषेक भी होना था, पर मंडे को मैक्सिमम लोग जो आने वाले हैं ना उनका व्रत हो जाता तो खाना पीने की प्रॉब्लम होती, तो हम लोग को लगा कि 15 तारीख को रख लेते। तो पहले 16 का ही था, फिर 15 का हो गया, 3 दिन का हो गया डुगू जो है वो, हो गया 1 महीने 3 दिन का। और 1 महीने 3 दिन में, मतलब 1 महीने 4 दिन में डुगू दोबारा सिंधाएगा। और अभी पता है देखने लगे, मैंने आई थिंक वो पता है अभी था, अभी देख रहा है इधर उधर, अब डुगू डुगू यू आर नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड, क्या हुआ क्या हुआ, सबको रोक के थोड़ा दिखाते, हंस के दिखाओ, हंस डू हंस डू हंस डू आस्ट, ओ नोच लिया, आई हाय नोच लिया, आ नोच लिया, मैंने बताया बहुत नोच लिया, गुस्सा क्यों आ रहा था ने, अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब मैं वीडियो कर रही हूँ एंड अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में आउटफिट वगैरह जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे शेयर करनी है आप लोगों से, तो वो सब शेयर करती हूँ। पर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। और नामकरण में सबको वर्चुअली आना है ना, मेरे का नामकरण होम नामकरण नाम करें, बाय करो, चलो बाय करो, देखो से बाय, बस इतना सा ज्यादा भाव का है, अच्छा कर रहा है, देखो बाय, एक बार फिर से बाय कर दो, देखो।